कुंभकर्ण नींद में सोए, जगाना जरूरी है। जगाने का कोई, देखो एक किसान खड़े हैं सोसाइटी में, जाते बोरा पर रोवा थे, अभी जावा थे तो खातू पर रोवा थे। अरे 250 रुपया के यूरिया है, 600 रुपया में बिका थे। मोला ये बता, दुकान में यूरिया है और सोसाइटी में कबर नहीं है? अरे सोसाइटी में जिन यूरिया आया थे तेन ला भूपेश बघेल कमीशन में दुकान में बेचा थे और किसान मन ला दर दर भटका हुआ थे। दे रहे हो तो क्या मतलब था? अगर आप लोगों को उसको सत्ता से हटाना ही है तो अभी क्या, अभी कराओ ना। ये तो आप बोल रहे हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। क्या ये पब्लिक बोल रही है? पब्लिक बोल रही है। अगर भूपेश जी अपने वादा से मुकर गए तो फिर मोदी जी भी तो मुकरे हैं। चुनाव बंद करवा दे अगर वो सत्ता पर आए तो क्या आप पीना छोड़ देंगे? बिल्कुल पक्का वादा, वादा मेरा। हमारे साथ जिला महामंत्री बेमे तरह से यहाँ पे उपस्थित हैं। अपने जो कांग्रेस सरकार है, अपने काका है या फिर भूपेश बघेल हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हम इनसे स्पष्ट करते हैं। सर बताइए। साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बेमे तरह के जिला महामंत्री, मेरा नाम होलूराम साहू है। हम लोग बेमे तरह से लगभग 2000 हमारे जिले से पूरा युवा मोर्चा के साथी और बेरोजगार साथी सभी मिलके 2000 के संख्या में उपस्थित हुए हैं। आज भूपेश बघेल ने 2018 में जो घोषणा पत्र में अपने जन घोषणा के माध्यम से घोषणा किया था कि बेरोजगार साथियों को हमने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और पढ़े लिखे बेरोजगार को हम 10 लाख से ज़्यादा हमारे बेरोजगार को रोजगार देंगे, ये वादा किया था। लेकिन भूपेश सरकार आज 3.5 साल पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने न तो एक जन को रोजगार दिया है, न ही बेरोजगारी 1 रुपया आज से किसी को नहीं मिला है। हम आज के डेट में 3.5 साल में 2500 रुपये के हिसाब से एक एक बेरोजगारी का 25 भत्ता जो जोड़ते हैं, 1,12,000 रुपये आज की डेट में एक एक बेरोजगार का होता है। आज एक एक बेरोजगार का भूपेश बघेल कर्जदार है वो, और हम सब युवा मोर्चा को इस लड़ाई लड़ने के लिए आज रायपुर में उपस्थित हुए हैं। आज हम दम एक सेकंड, मोदी जी भी तो 15-15 लाख रुपए देने वाले थे, उसका क्या हुआ? मोदी जी 15 लाख देने के वाले थे, नहीं देने वाले थे उसना? नहीं, क्यों क्यों? अगर भूपेश जी अपने वादा से मुकर गए तो फिर मोदी जी भी तो मुकरे हैं। मोदी जी का बात यहाँ पे नहीं है। हम भूपेश जी जो कोई हमारे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बात बात कोई पहले मोदी जी पहले बोले थे, मोदी जी ने ये बताया कि जितने कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी हैं, जिनका स्विच बैंक में जमा क्यों? बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं कांग्रेस पार्टी के ही नेता लोग, आज तक राज किसने किया 70 साल तक? अरे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन काल में एक भी भ्रष्टाचार बता दो, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार डेली के डेली करोड़ों रुपया में, और यही पैसा स्विच बैंक में जमा है। यदि वो पैसा निकल के आ जाए तो भारत के जनसंख्या से यदि उसको भाग दे दिया जाए तो एक एक आदमी को 15 लाख मिलेगा। नरेंद्र मोदी का कहना ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को बोर दो मैं 15-15 लाख रुपया दूंगा। ऐसा कांग्रेस की तरह झूठी वादा नहीं करते, क्योंकि हमें अपने कार्य में पूर्ण क्यों नहीं हो पाई ये बताइए आप, अपने कार्य में पूर्ण क्यों नहीं हो पाई ये बताइए। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन दिया है कि बेईमानी की जो पैसा जमा है वो 125 करोड़ जनता के साथ भाग दे दिया जाए तो एक आदमी के हिस्से में 15 लाख आएगा, ना कि एक एक व्यक्ति को 15 लाख दूंगा, ऐसा बोला है। और हम कभी झूठ बोलते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हम गौ और गंगा का सम्मान करते हैं। और यही भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी कवर्धा के पवित्र भूमि पर हाथ पर गंगा जल रख करके 36 वादा किया, आज वो 36 वादा पूरा थोथा के थोथा है, खोखला के खोखला है। और इसी का परिणाम है कि आज गांव गांव गली गली से युवा मोर्चा को आज रायपुर में भूपेश बघेल नींद में सोए है ओला उठाए बराए हवन, और वो जान ले हम छत्तीसगढ़ अब भोला भाला नहीं हन, अपन अधिकार ला ले ला जानथन, यदि फसल बोए हन तो लुए ला जानथन। 70 सीट में तो ला जिताए हन, दे दो 7 सीट भी ते जीत नहीं सकस, काबर के तोर काम है धोखा धोखा धोखा, और धोखा के सामने आज पूरा छत्तीसगढ़। ये तो आप बोल रहे हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। क्या ये पब्लिक बोल रही है? पब्लिक बोल रही है, बिल्कुल बोल रहे हैं। मैं पब्लिक हूँ, मैं बोल रहा हूँ। भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से हम युवाओं के साथ जो छलावा किया ये असहनीय है। जिस प्रकार से उसने वादा किया हमने उसका सहयोग किया, लेकिन
अब आने वाले समय में छलावा नहीं होगा। अब हम भी समझ गए हैं, थोड़ी भी समझदारी हमारे में आ गई है। हम किसी भी आदमी के बाद आप सिर्फ अकेले यहाँ पे उपस्थित हैं और कोई है साथ में? पब्लिक कौन है? ये सारे के सारे मुझे बीजेपी कार्यकर्ता लगते हैं, सारे के सारे बीजेपी। मैं पब्लिक बोल रहा हूँ। अकेले बोल रहे हैं? अकेले नहीं, मेरे साथ है पूरा पब्लिक। ये मुझे सारे के सारे किसान ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ के किसान ले लीजिए। आप बीजेपी कार्यकर्ता? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, उससे पहले किसान हूँ और मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे को बोला गया था कि इसी चुनाव के बाद सबका केसीसी माफ होगा। मैं आपको पासबुक मेरा प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ, मैं किसान हूँ दावे के साथ। मेरा खाता में कोई सब्सिडी नहीं आया है, मेरे को बैंक से नोटिस मिला है केसीसी जमा करने के लिए। मैं किसान हूँ, गंगा जल को हाथ में लेकर केसीसी माफ करने का घोषणा किया गया था। 36 वादा है, सबको मैं याद करके बता नहीं सकता आपको, नहीं हुआ है। मैं किसान हूँ, मेरा पासबुक मैं आपको सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे आपको मेरा पासबुक प्रिंट करा के करा सकता हूँ। अच्छा, एक सेकंड। माँ किसान हा जाते तो वो प्रबंधक का कथे आज 10% बोरा देवे, कल 20% देवे, अगले दिन 50%, फिर कथे पूरा बोरा देवे धान लतौल हूँ ओहू में कमीशन। और जब बोनस के पैसा ले तो 4 किस्त हम देते, ओहू में कटौती करके देते। अरे 2500 भाग के वादा करे रहे, ओहू में तो 300 रुपये नरेंद्र मोदी बोनस के तौर में मिली गए भाव बढ़े स्टेन में, ओकर बाद भी पूरा 2500 नहीं देवे। हर किसान के पर कुंटल 100 से 150 रुपया काट के देवा था वह ओखरो बोनस है। जिसे एक किसान के मान ले 10,000 के पहला किस्त, तो चारों किस्त 10,000 कहना चाहिए, लेकिन 3 किस्त आया ही 10,000 के और चौथा किस्त हम मुश्किल में 7-8 हजार रुपया का थे। बाकी के टैक्स कहाँ जाते? वो दिल्ली जाते, दिल्ली चुनाव। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार भूपेश है। इस भूपेश सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसको अभी एक साल के अंदर में अपना वादा पूरा करे, और नहीं तो अपने वादे के अनुरूप वो सरकार 2023 में जाएगा। 2024 में क्यों, अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं? देखो अभी जी उनका लगभग 70-71 विधायक है, तो अभी उसमें है अपने, है ना? तो आने वाले चुनाव में हम किसान, अगर आने वाले चुनाव का इंतजार करना था तो अभी धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करोगे? लाली पॉप दिखा के आए थे ना आप, लाली पॉप दिखा के। आप लोग क्या दिखा रहे हो? आईना दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल जी, आप आईना देखो, कल क्या थे आपका यहाँ क्या था और आज क्या है, हम उसको आईना दिखाने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है, उनको जो भी उनका बचा खुचा दिन है वो राज करने दोगे? वो आप राज करने दे रहे हो तो क्या मतलब? अगर आप लोगों को उसको सत्ता से हटाने ही है तो अभी क्या, अभी कराओ ना, हमें हमारा अधिकार चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कब उसको हटा सकते हैं? कब? जब उसमें मतदान होगा, वोटिंग होगा, और वही वोट हमारी ताकत है। हम उसी विरोध हम कर रहे हैं, उसी का आपके मीडिया के माध्यम से, आप भाई बंधुओं के माध्यम से, हम लोगों को संवेदना के हिसाब से सबको आग्रह कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति आज के डेट में पीड़ित है और उसको उखाड़ने के लिए हम, ठीक है ये तो सांकेतिक विरोध है, असली विरोध वोटिंग का होगा, उंगली का वोटिंग का होगा, हम उसी उसको हटाएंगे। मेरा मानना है अगर आप विरोध कर रहे हो तो कल के डेट में अगला बंदा हट जाना चाहिए। अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इंसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, आम जनता का यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, तो कल के डेट में अगले इंसान को अगर वो अपने जो उन्होंने कसम खाया था, उन्होंने जो वादा किया था, अगर वो उससे मुकर गए तो कल के डेट में उनको हर जाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा ना करके, ऐसा ना करने दे के, आप बावजूद उनको सत्ता में रहने दे के वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो एक गलत है ऐसा मुझे लगता है। साढ़े 3 साल ले हम इंतजार करे हवन,
तो आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आप तो अभी इकट्ठा हो गए, पूरे प्रदेश भर का इकट्ठा हो चुके हो, तो आप तो सीधा उनको हटाना चाहिए। नींद में सोए कुंभकर्ण, नींद में सोए, जगाना जरूरी है। जगाने का कोई, देखो एक किसान खड़े हैं सोसाइटी में, जाते हैं तो दौरा पर रोवा थे, अभी जावा थे तो खाटू पर रोवा थे। अरे 250 रुपये के यूरिया है, 600 रुपये में बिका थे। मोला ये बता, दुकान में यूरिया है और सोसाइटी में कबर नहीं है? अरे सोसाइटी में जिन यूरिया आया थे तेनला भूपेश बघेल कमीशन में दुकान में बेचा थे और किसान मल्ला दर दर भटका हुआ थे। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भूपेश बघेल। मैं दूसरा एक चीज और मैं रखना चाहूंगा, ये जो शराब नीति अपनाई है आपको यकीन नहीं होगा, है ना? आप दुकान में जाओगे तो एक दो डब्बा रखा होता है, एक जो डब्बा होता है उसमें लीगल का पैसा, एक डब्बा होता है वो अनलीगल का पैसा। आप कितने भी प्रकार का ब्रांड बेचे तो जो जो अनलीगल चीज है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गांव में कोई बेच रहा है वो अनलीगल है, लेकिन इसने भट्टी में, दारू भट्टी में दो ब्रांड रखा है और जो जो सस्ता है महंगा उसमें नहीं जाता मैं, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है उसको सरकारी खजाना में नहीं लेता, जो कम प्रॉफिट है उसको सरकारी खजाना में लेता है और ज्यादा प्रॉफिट वाले को अपने खजाने के लिए रखता है। आप किसी भी मदिरालय में चले जाइए, किसी भी दारू भट्टी में चले जाइए, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, दो डब्बा देखना। आप लोग पत्रकार महोदय, मीडिया के संचालक महोदय, आपसे निवेदन है कभी उसमें भी एक, आप शराब पीते हो? बिल्कुल मैं पीता हूँ, मैं मानता हूँ। अभी आप मतलब स्पष्ट बता सकते? मैं पीता हूँ, मैं, अरे भाई पीता हूँ, मैं जाता हूँ तभी तो मैं देखा हूँ। जब आप शराब का विरोध कर सकते हैं तो आप पीते क्यों हैं? आप शराब का भी अभी विरोध कर रहे थे तो आप पीते? चलो ठीक है, आप शराब बेचना बंद, चुनाव बंद करवा दे अगर वो सत्ता पर आए तो क्या आप पीना छोड़ देंगे? बिल्कुल पक्का, वादा, वादा मेरा, वादा। शराब मिलेगा नहीं पियेंगे कहाँ लोग, अगर उसी चीज को अगर आप अभी नहीं पियोगे तो मिलेगा कहाँ से? बेचना ही बंद हो जाएगा अगर आप पीना ही बंद कर दो। शराब शराब बंद करना नहीं बंद करना मायने नहीं है, सवाल है शराब के मामला में झोला झोला में पकड़ के ओवर रेट में घरों में पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। बात ये है, आप सबूत है आपके पास? क्या सबूत है, प्रूफ है? हर जगह मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा? चौक चौराहे में शाम के समय चले जाइएगा, गली मोहल्ले में मिल जाएगा शराब आपको। कौन सी शराब, कौन सी शराब, कौन सी शराब? अंग्रेजी शराब, बहुत ज्यादा दाम, 100 रुपया के है 150 में। काबर के ये सरकार के मनसा यही है, आपके पास प्रूफ है? मन आप पिए पाए पड़े रहे, पहली रमन सिंह सरकार धीरे धीरे करके शराबबंदी के ओर अग्रसर होत रही सब, लेकिन छत्तीसगढ़ में हड़ताल हुई, जन जागरण हुई और सर पूर्ण शराबबंदी के बात लेकर के भूपेश बघेल सरकार मार रही से, लेकिन अब का कही थे मैं अध्ययन करेल जात हूँ कथे, दूसर दूसर प्रदेश में घूम के आल हूँ ओखर बाद यहाँ करूँ कही थे। अरे दादा तोला छत्तीसगढ़ के जनता पहली पूर्ण जनाधार काबर दे रही सब है, एक सती दे रही से, लेकिन सब लोग भुला गए, अब भुला है तो जगाना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे मुद्दों पर बात हो चुका, हमने लोगों के राय जाना, इन्होंने कांग्रेस सरकार के बारे में जो बातें बताई है, हमने कई सारे मुद्दों पर बात किया, हमने भी अपने पक्ष रखा कांग्रेस सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा इन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और आप लोगों के सम्मुख है वो चीज़ हम और दूसरे लोगों से जानना चाहते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, जो आम आदमी है उनसे भी राय जानते हैं कि आगे की जो बातें हैं वो क्या हो सकता है। आप देखते रहिए, बने रहिए सदान छत्तीसगढ़ पर। जय जवाहर।